एंड गाइस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम लोग नहा चुके हैं, फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। मेरी पता नहीं कबर्ड में क्या कर रहे हैं, पूरा रूम का टूर दे। सुबह में तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जा रहे अम्मी अब्बू के कमरे में, आप ही के कमरे में, वो लोग क्या कर रहे हैं वो सब भी देखते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे एक साइज लूज आ गया, और मुझे लूज चाहिए था लेकिन ये डबल एक्सेल आ गया है एकदम जल्दी जल्दी में, कुछ समझ में। गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, देखो पीछे भी जा रहे हैं। हाय बेबीज, देखिए ये लोग सब आ रहे हैं। हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हमारा है डे वन, है ना जी, नाश्ता करने के लिए, उसके बाद आके पहले सोना है ना बेबी, ये तो बहुत पैर हाथ में दर्द होगा। हम लोग बैठ गए क्या क्या है भैया, दादी वही है मतलब होटल। अस्सलाम वालेकुम। अब नींद आ रही है ना, से एक नंबर तो हमारी अम्मी जान माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आपा जान, और एक आपा जान को इतनी नींद आ रही है कि क्या ही बता दें। और हमारे जनाब आज इनकी टोपी उतरी है, क्यों उतरी बेबी, कैप नहीं पहने अभी हम लोग, पहनेंगे थोड़ी देर में ना, हैट अच्छा एकदम, ये तो हाफ शॉर्ट्स में एकदम मस्त लग रहे। हाँ और हमारा आ गया है पूरी सब्जी, बाबू जिकरिया स्ट्रीट नहीं है, जिकरिया स्ट्रीट नहीं है, दाल पूरी मिलेगी यहाँ पर, पूरी सब्जी है। चलिए लीची ये है, लीची क्या लीची पूरी, लीची पूरी है, चलो हाँ। मैंने एक तो पूरी खा के देखो, अभी आओ सब पूरी सब्जी खाई नहीं है, अभी खाई नहीं है, बस सही है, जाओ जाओ जगह कहाँ है अब्बू जान, सही है पूरी सब्जी अम्मी जान, सही है अब चीज़ और देने कर देते हैं, बस ठीक है ना। आलू का पराठा है, आलू पराठा के साथ आलू भाजी, पूरी सब्जी खा के आते हैं, पूरी सब्जी खा, हाँ सब खा, बोल लो तो वहीं गए तो बाबू छोड़। गाइस यहाँ पर आई हम लोगों से मिलने के लिए गैया, कितने अच्छे से यहाँ घूमती है, हमको बड़े मजे आते हैं, बहुत अच्छे लग रहे है ना, खाओ बड़ा एक थोड़ा बड़ा तो तू लो ना बेबी, हम लोगों ने बाहर नाश्ता किया लेकिन हम लोगों का ना दिल ना भरा नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना समझ में ही नहीं आया नाश्ता, तो मैं तो पहले इससे पहले भी इस रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ, मैंने इस होटल में आ चुकी हूँ, तो मुझे पता है यहाँ का टेस्ट पता है, तो यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी होती है। हम लोगों ने सोचा कि ठीक है हम लोग चाय भी यही पी लेते हैं, और आप ही का भी मन था बहुत आलू पराठा खाने का, तो फिर इसके लिए कुछ बातें हो रही हैं, यहाँ पर भी कुछ बातें हो रही हैं, और हमारी अम्मी अकेले बैठी हुई है और दो हमारे शौहर भी अकेले बैठे हुए हैं, ये पकड़ो इसको, नींद बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हम लोग ने आलू का पराठा मंगाया और इन्होंने इतने अच्छे से डेकोरेट करके दिया, आलू का पराठा विद चिक अचार, बड़े अरमान थे आप ही के आलू के पराठे खाने के, अरमान पता चले नहीं, अरमान तो था आप ही ऐसे मत बोलो, अच्छा जैसा आप ही मैं तुमको समझ में ले लो, हम तो गाइस यहाँ पर चल रहा है डिस्कशन चल रहा है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो भाई मैं तो वेजिटेबल्स खाती नहीं हूँ ना, फिर बहुत कम खाती हूँ, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा मैं चुपचाप से बैठती हूँ यहाँ पर, और बस मुझे फिश फ्राई खाना है, और मेरी प्यारी से हमारा यहाँ पर सो रही है फिर से, बेटा नींद हुई बहुत नींद आ रही है, और मैं पूरे 4 घंटे सोई, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक सोई, फिर मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ईजिंग होने लगे थे तो मैं उठ गई, और चिंचा पता नहीं कितने बजे उठे हैं, उठे अभी 3 बजे अच्छा, तो यहाँ पर इंटीरियर क्या ज़बरदस्त है, स्वीट रेस्टोरेंट नाम है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर एसी है जो बहुत आपको सूटिंग देगा, कूलिंग देगा, भैया यहाँ पर ऑर्डर ले रहे हैं और आप भी ऑर्डर ले रही है जल्दी से,
ये है मेन्यू नहीं आइसक्रीम बोलिए आइसक्रीम अपनी बेटी को खिलाएंगे। ये है यहाँ का मेन्यू और यहाँ पर टीवी भी है, आप आराम से बैठ के टीवी एंजॉय कर सकते हैं। टीवी में मतलब मैच वगैरह ही होगा और क्या होगा, और इसका बाहर का इंटीरियर अच्छा है बहुत अच्छा नाइस बहुत कूल लग रहा है मेरा चश्मा। अच्छा लगता है मॉगल? कितने का है? 10 रुपए का है। अगर 10 रुपए का मेरा चश्मा हुआ तो हम आपको ना आपको 1000 रुपए देंगे। लोग मेट्रो मेट्रो का लिखा भैया। आपको पता है गाइस, ये मेरे चिच्चे बोले 10 रुपए का और मेरे अब्बा बोले 50 रुपए का। कितना है अब्बू? 50 रुपए का। आप बोले ना क्या 50 रुपए का ला देंगे? 70 रुपए का। अब्बू बोले 70 रुपए का और इरफान बोले 10 रुपए का। आप ही सुन बोले थे 10 रुपए का, ये 70 रुपए का होगा। ज्यादा सारा 100 रुपए देखे। अरे नहीं, इन लोगों बोले नहीं ना, हम ऐसे भी हम बोले आपको फ्री में मिले तो ये बोलिए। अंदर अमदल्ला से ले गई है, सच्ची बात बोल रहे अंदर अमदल्ला से हम मेट्रो प्लाजा से लिए। गाइस हमारा खाना आ चुका है, खाने में दाल चावल अभी और ये आलू क्या है भैया चाचा? आलू पटल है। नहीं ये है क्या? ये क्या है? ये आलू भाजा है और पता नहीं कौन सी सब्जी है। क्या पापा? पटल है। मैंने पटल तो खाती भी नहीं हूँ। आरिफ साहब खाएंगे इसलिए आरिफ साहब ने लिया, मैंने लिया नहीं है थाली क्योंकि मुझे नहीं खाना है। बड़े स्टाइल में हमारी आ गई है फिश, रोहू फिश माशाल्लाह और थाली है ये मेरे चिच्चा की थाली। और ये अभी ना हम लोग बस जस्ट टेस्ट कर रहे हैं और फिर टेस्ट करने के बाद ऑर्डर करेंगे। आप लोग सोचे कि हम लोग इतने में 3 लोगों के इतने लोग खा रहे हैं? नहीं, 3 लोगों नहीं खा सकते, ये बस टेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ मायरा की भी थाली आ चुकी है, सॉरी यहाँ पर आपकी भी थाली आ चुकी है, एक थाली हमारी और आ चुकी है। दादा सुनिए ना, थोड़ा बैट अलग से ला के देंगे, थोड़ा बैट था और आलू भुजिया भी उसमें डाल देगा अलग से, बस देखिए लेबू दे दे। अरे একটা বাটির মধ্যে দিয়ে দাও না, 4-5টা যা লোক আছে হয়ে গেল। ছড়িয়ে ছড়িয়ে গন্ধ হবে ম্যাম, ছড়িয়ে। গাইস খানা আচ্ছা হয় তবে তো মাশাআল্লাহ সে সবকে প্লেট মে अपना अपना खाना आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तो फिश बहुत अच्छी लगी, फिश फ्राई बहुत दिया मैम, सीरियसली बहुत अच्छी। और दाल चावल भी अच्छा बना हुआ है, टेस्ट है दाल चावल में भी बहुत अच्छा टेस्ट है। आई रियली लाइक, खाना अच्छा है। हमारे मियाँ जी मीठी चटनी खा रहे, उनको बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। एंड रियली गाइस खाना बहुत ज़बरदस्त था, इसलिए देखिए आप देख सकते हैं हमारी टेबल जो है वो पूरी भर गई है प्लेट से। और फिश फ्राई तो बहुत यम था, मेरे जीजा का एकदम फेवरेट है आम की चटनी, इनको ज़बरदस्त लग रही है मीठी मीठी चटनी। शर्मा रहे मेरे ख्याल से, शायद अपनी शादी में ऐसे खाते हुए शर्मा रहे थे, बारात में खा रहे थे शर्मा के। हाँ आप तो अपनी शादी में दवा के खाए ना, आपका साला लोग खिलाया है अच्छे से, नहीं खिलाया? चिकन फ्राई अच्छा था ना? मैंने अपनी शादी में इनको बहुत खिलाया था, लेकिन इनके वली में भी मैंने खाया नहीं था। बेबी मेरा ही मेन्यू था। हाँ, और मैंने ही खाना रखा था। अच्छा खाना रखा था कि नहीं? बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ना दोनों दमाद अपनी अपनी शादी में शर्मा रहे होते। तो गाइस होटल का नाम है स्वीट रेस्टोरेंट, ये ज्यादा दूर नहीं है, दीघा से बहुत नियर था, गली में घुसेंगे यहाँ पर बीच से ज्यादा दूर नहीं है, यानी मेरे होटल से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर हमारा बिल बन रहा है,
हम लोग यहाँ पर स्टॉप आएंगे। दादा आपका रेस्टोरेंट, आपका एड्रेस क्या है यहाँ का बता दीजिए। न्यू दीघा फैंसी मार्केट है ये। ओके, न्यू दीघा फैंसी मार्केट, न्यू दीघा फैंसी मार्केट है। और यहाँ पर सब कार्ड भी है, और कार्ड भी है, ये कार्ड भी दिखा दे रहे। तो जो भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे नेक्स्ट टाइम, और जो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो लोग आएंगे, तो प्लीज़ यहाँ पर आइएगा, यहाँ खाना खाइएगा, बहुत यम टेस्ट था, खाना तो बहुत अच्छा था, नो डाउट। हम लोग कभी ऑनलाइन पे रिव्यू दे देना, ऑनलाइन का रिव्यू भी है। बेबी इरफान यही ले लो, बेबी छोड़ दो, यहाँ खा पी के सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप ही है पेमेंट करने के लिए, बिल बना रही है, बिल बन रहा है। और यहाँ से ऐसे एंट्रेंस है, यहाँ कितने अच्छे से यहाँ डेकोरेट किया है। हाँ, 2 लीटर वाला। और ये इनका स्वादिष्ट किचन है, इसी किचन से हमारा खाना आया था, खाना बहुत अच्छा। यहाँ पुचके की तैयारी शुरू स्टार्ट हो चुकी है, अभी घड़ी में बज रहे 4। ये है आइस कोला, और यहाँ का वेदर बहुत ही औसम है ना बेबी। और सब हम लोग लाइन बाई लाइन बना के आ रहे हैं, ये देखो पांचों, देखिए पांचों लोग आ रहे हैं। वेदर बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, वेदर एकदम अभी बहुत अच्छा है। 2 बजे से धूप थी, लेकिन उसके बाद तो एकदम ही धूप नहीं थी। आप देख सकते हैं हवा कितनी साए साए माशाल्लाह से चल रही है। हाँ बोलो, ब्लैक वाला नहीं भैया, तुम्हारी उम्र है क्या खाने? हम सोच रहे, लेकिन हम सोच रहे काला वाला खाने के लिए। कितने का दे रहे? क्या गोला बनाया भैया ने, थैंक यू। लो खा के देखो, किराना मस्त है। एक और नहीं बनाए मेरा, करो चल हो गया। अच्छा है मेरा, लो नाइस पार्ट बताओ ना। रह गया हाँ, ठीक है, ठीक है।